कुणाल केमू शायद आपको राजा हिंदुस्तानी से याद होंगे, लेकिन एक्टर की पहली फिल्म थी नसीरुद्दीन शाह साहब की सर, जिसमें उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र के बच्चे का किरदार निभाया था। जैसे आपको ये बात नहीं पता थी, वैसे आपको ये भी नहीं पता होगा कि कुणाल केमू का घर कश्मीर में एक ब्लास्ट के दौरान तबाह हो गया था और एक्टर खुश थे। क्यों, अभी आपको बता देते हैं। तो देखिए, कुणाल एक कश्मीरी पंडित हैं। साल 1979 से पहले उनका घर भी कश्मीर में हुआ करता था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि जिस समय घाटी का माहौल बहुत टेंस था, ख़राब था, तब एक ब्लास्ट में उनका घर भी उड़ गया था। धमाका इतना खतरनाक था कि एक्टर खुद हिल गए थे। ब्लास्ट में उनके घर को बहुत नुकसान पहुंचा था। कुणाल की उम्र तब बहुत कम थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे में उस दिन उनके तबाह हो चुके घर को टीवी पर दिखाया जा रहा था, और समझ ना होने के चलते अपने घर को टीवी पर देख कर वो बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई उनका परिवार अब काफ़ी फेमस हो गया। हालांकि तब तो नहीं, पर हाँ, इवेंचुअली एक्टर ने मेहनत करके बॉलीवुड में अपना नाम ज़रूर बना लिया और फेमस भी हो गए।